Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening. Whenever you all are listening to me, I hope you all are doing good, you all are great, and your preparation for your exams are going wonderful. In this lecture, we will be covering all the exam questions which have been asked for your financial and strategic management paper. Chapter number Cost, Chapter Cost of Capital. The chapter is very important as far as your exams are concerned. I will be covering all the past exam questions which have been asked from December 2019 to December 2021 in this lecture, and it is very important to practice all these questions because. If you practice these type of questions, you will get confidence, and you will come to know that where do you stand, and you will come to know that how institute is testing your concepts, testing your uh, theoretically, conceptually as well as practically. So, if you are watching this on YouTube, you will be getting the link for your notes, and you can download the notes and. Because we have arranged all these questions from December 19 to December 21, so we will be starting from December 19. The the numbering of these questions is uh, based on as per my notes. So we will be starting from question number 61. The cost of retained earnings is equal to what, sir? What is equal to cost of retained earnings? The cost of retained earnings is equal to is it equal to dividend payout ratio or it is equal to rate of return expected on equity share or risk free rate of return or dividend yield ratio as we have taught in our lectures that ke इज़ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ़ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बराबर माना जाता है तो माय आंसर विल बी रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर्स क्योंकि मैं इसको के ई ही कहता हूँ हम आगे बढ़ना चाहते हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 62 ये बहुत इजी क्वेश्चन था इफ़ अ फर्म डिक्लेयर 25 परसेंट डिविडेंड ऑन द शेयर फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ टेन इट्स ग्रोथ रेट इज़ 5 परसेंट एंड इट्स रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12 परसेंट एक्सपेक्टेड प्राइस वुड बी मुझे पी ज़ीरो प्राइस बता दीजिए सर मेरे पास फेस वैल्यू दे रखी है टेन रुपीज़ की ग्रोथ मेरे को पता है फाइव परसेंट है 25% डिविडेंड मेरा डिक्लेयर किया जा रहा है 25% किसका मानेंगे हम फेस वैल्यू का मानेंगे तो मेरा 2.5 डिविडेंड पर शेयर डीपीएस हो गया रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है के ई -E मेरा 12% परसेंट है तो मैं पी ज़ीरो निकाल सकता हूँ यस और नो यस सर मैं पी ज़ीरो विल इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी डी वन मेरा क्या है आने वाला डिविडेंड मेरा डिविडेंड आज का कितना है टू पॉइंट फाइव जीरो में मैं ग्रोथ ऐड कर दूंगा 1 प्लस जी जी इज 5% परसेंट तो मैं डिवाइड कर दूंगा के ई के ई इज परसेंट को मैं पॉइंट वन टू लिखूंगा और ग्रोथ मेरा है फाइव परसेंट मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरा आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन और इसका मेरा प्राइस निकल के आता है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो आयुवध में यस नो यस तो ये मेरा डी ऑप्शन ऑप्ट कर लिया जाता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में के ई का फार्मूला में हम पी ज़ीरो भी निकालते थे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है ठीक है सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बोलो ना सर बोलो ना हाँ यस सर हम आगे बढ़ सकते हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री वरुण लिमिटेड इज इशूइंग वन लाख ट्वेल्व परसेंट ए प्रेफरेंस प्रेफरेंशेस प्रेफरेंस शेयर्स जो इिडीमेबल हैं रिडीम नहीं होने वाले हैं ऑफ़ द फेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड इच इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू पर शेयर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर सर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट किस में नेट प्रोसीज में माइनस कर दी जाएगी और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूछ रहा है वी आस्ट के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इन 200 प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा 12 परसेंट का डिविडेंड जाएगा फेस वैल्यू पे तो मेरा ट्वेल्व परसेंट ऑफ हंड्रेड विल बी इक्वल टू ट्व रुपीज प्रेफरेंस डिविडेंड है और मेरा नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू इज हंड्रेड हंड्रेड में से मैं फ्लोटेशन कॉस्ट जो मुझे फ्लोट करने के लिए इज प्रेफरेंस शेयर्स लगने वाला है मैं माइनस कर दूंगा इन टू हंड्रेड आई विल गेट वॉट ट्वेल्व पॉइंट टू फोर परसेंट क्या मेरा ये ऑप्शन है हाँ सर हमारा ऑप्शन सी आने वाला है आंसर पॉइंट टू फोर परसेंट क्या हमारा एक मार्क हमारे हाथ में है यस वी हैव स्कोर्ड वन मार्क्स इजीली ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे मैं डब्ल्यू ए सी सी प्यार से कहता हूं कंपिटिशन्स क्या करता है क्या निकालते हैं हम डब्ल्यू ए सी सी से हमें निकालना क्या है मेरे को वेट्स देके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके बुक वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से मेरे को उनकी कॉस्ट की एवरेजिंग निकालनी है तो मेरा क्या असाइन वन मोर वेट्स टू इक्विटी नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है असाइन मोर वेट्स टू डिबेंचर्स नहीं एक्सक्लूड रिटेन अर्निंग्स नहीं आंसर डी मेरा लग रहा है बिकॉज असाइन वेट्स बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो भी मुझे क्वेश्चन दे दे मैं उस हिसाब से वेट्स को असाइन करके डब्ल्यू ए सी सी निकाल लेता हूँ क्या हम साथ साथ हैं यस सर वी आर टुगेदर एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव द लाइबिलिटी साइड ऑफ श्रीनिवाने श्री श्री

फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हंड्रेड के है एंड द मार्केट वैल्यू इज़ थ्री हंड्रेड परसेंट इथ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एटीन परसेंट एंड इफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ इशूइंग द फ्रेश इक्विटी इज़ फाइव परसेंट वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ़ रिटेन अर्निंग्स मुझे बता दीजिए कि मेरी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्या है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स मैं जानता हूँ कि मेरी के ई हमेशा के आर ई के बराबर चलती है ठीक है सर तो मेरी जब के ई के आर ई के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 18 परसेंट तो मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न के ई एटीन परसेंट है और मैं के आर ई को उसके बराबर मानने वाला हूँ क्योंकि मेरा कंसेप्शली ये बात कही गई है कि 18 परसेंट मेरा के आर ई मान लिया जाएगा ठीक है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं यस वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फॉर्म इज ट्वेल्व परसेंट एंड इज एक्सपेक्टेड ई पी एस ई पी एस जो एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ द ईयर साल के एंड पे ट्वेंटी रुपीज का ई पी एस है जो एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जिस्टिंग पे आउट रेशियो ट्वेंटी फाइव परसेंट है एग्जिस्टिंग जो डिविडेंड दे रहे हैं D0 जीरो एग्जिस्टिंग मतलब आज का डिविडेंड पच्चीस परसेंट है द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स पे आउट रेशियो टू फिफ्टी परसेंट बहुत अच्छी बात है विद विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी एम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ऑफ द कंपनी गॉर्डन मॉडल के हिसाब से इफ़ द री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ द कंपनी इज 15 परसेंट क्या हम ये बता सकते हैं सर यस yes, हम ये बता सकते हैं क्योंकि इसमें हमें इम्पॉटेंट मार्क करना है क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन दोबारा आएगा और अगर आप ये अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है तो इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है द कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल फिर से पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे पास के ई ट्वेल्व परसेंट है ई जो आज मेरा एंड का ट्वेंटी है एग्जिस्टिंग पे आउट ट्वेंटी फाइव है ठीक है तो मेरा यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग पे आउट ट्वेंटी फाइव है तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा रिटेंशन रेशियो क्या हो गया सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव डिविडेंड दे रहा है तो सेवेंटी फाइव परसेंट रिटेन कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे पहले मैं पी जीरो निकाल लूंगा गॉर्डन मॉडल से डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी यहाँ पे मेरा डी वन कैसे निकलेगा ईपीएस वन माइनस रिटेंशन रेशियो मेरा यहाँ पे ई पी एस क्या दे रखा है सर ई पी एस ट्वेंटी है जो मुझे क्वेश्चन बता रहा है रिटेंशन रेशियो मुझे पॉइंट सेवन फाइव मुझे यहाँ पे डी पी एस डिविडेंट पे आउट से माइनस करके मिल गया तो मेरा डिविडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना निकल जाएगा कैलकुलेटर चलाएंगे सर दिस विल बी फाइव तो मेरा D1 वन विल बी इक्वल टू फाइव के ई मेरा क्वेश्चन ने बता दिया है के ई इज ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ मेरे को क्वेश्चन ने बताई है ग्रोथ मुझे क्वेश्चन ने नहीं बताई तो मैं ग्रोथ कैसे निकालूंगा ग्रोथ का मैंने फॉर्मूला जब गॉर्डन मॉडल बताया था तो क्या था रिटेंशन को मैं रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल आता है सर रिटेंशन क्या है 0.75 रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है पंद्रह परसेंट मुझे यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है री रेट फिफ्टीन परसेंट है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ज़ीरो पॉइंट वन वन टू फाइव तो ये मेरा क्या निकल आता है एलेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट मेरी ग्रोथ है और मैं यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट वन वन टू फाइव को माइनस कर दूँ इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्स 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 पॉइंट सिक्स सेवन रुपीज़ प्राइस आज का आ जाता है ठीक है सर समझ आती है बात तो दिस इज़ द प्राइस जो मेरी यहाँ पे आज का है अब आज की बात तो आ गई व्हाट द कंपनी इज़ प्लानिंग टू इंक्रीज द पे आउट टू फिफ्टी परसेंट अगर कंपनी फिफ्टी परसेंट पे आउट इंक्रीज़ कर देती है 50% परसेंट डी कर देती है तो दिस एम्प्लाइज मेरी रिटेंशन क्या हो जाएगी वो भी 50% हो जाएगी ठीक है सर ये तो बात ठीक है वॉट विल बी द इफेक्ट इन द चेंज ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर तो मुझे पी ज़ीरो अगर दोबारा निकालना पड़ा तो क्या मैं निकाल सकता हूँ डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी डी वन क्या हो जाएगा सर डी वन ई पी एस वन माइनस रिटेंशन रिटेंशन मेरी यहाँ पर फिफ्टी परसेंट हो जाएगी और के ई क्या हो जाएगा के ई तो ट्वेल्व ही रहेगा और यहाँ पे मेरा ग्रोथ क्या हो जाएगा ग्रोथ भी मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ मेरा कैसे आया था रिटेंशन इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी तो मेरा यहाँ पे रिटेंशन का चेंज हो गया है यहाँ पे मेरा रिटेंशन क्या था ट्वेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट था यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा फिफ्टी परसेंट हो गया इसको सॉल्व करेंगे मेरा आ जाएगा टू 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 पॉइंट टू टू और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द मार्केट प्राइस मेरा मार्केट प्राइस पहले 6666 था 666 था अब 222 हो चुका है हाँ सर बिल्कुल हो चुका है तो दोनों में क्या चेंज आ गया इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ 666.67 माइनस टू 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 0.22 so this will give me what this will give me the difference of 444 पॉइंट फोर फाइव तो यहाँ पे मेरा ये निकल के आता है और मेरा यहाँ पे सिक्स 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 से टू 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 डिक्रीज हो के फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर डिक्रीज हो चुका है तो मेरा मार्केट प्राइस क्या हो गया डिक्रीज बाय फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर माई आंसर बी आई यूवेद मे येस और नो यस तो कहने का मतलब क्या है दो बार पी ज़ीरो निकला है दो बार मार्केट प्राइस पर शेयर निकला है गॉडन मॉडल से क्योंकि डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है तो रिटेंशन भी चेंज होएगा और यहाँ पे जो भी चेंजेस पी जीरो में आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बोलो ना हाँ हाँ सर हम आगे बढ़ सकते हैं एंड यस वी आर ऑन दिसंबर 20th दिसंबर ट्वेंटी 20 में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए तो हम अब वो करने वाले हैं क्या हम कर सकते हैं yes सर हम सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन पे हैं सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन किसके बारे में है फ्रॉम द फिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विल नॉट इंक्रीज हम ईवीए का कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं EVA क्या होता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मैं कैसे निकालता था सर EVA सर हम भूल चुके हैं नहीं भूल सकते हमने EVA बहुत अच्छे से निकालना सीखा हुआ है कैसे हम निकालते थे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस आर ओ सी रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल प्रॉफिट्स ईवीए कहला देता है इकोनॉमिक वैल्यू एडिट हमारी कब नहीं बढ़ेगी साहब नॉट इंक्रीज व्हेन इट विल नॉट इंक्रीज कब नहीं बढ़ सकती ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो विदाउट इम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल क्या ये आंसर सही लग रहा है अभी देखते हैं अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड हमारी कुछ अनप्रोडक्टिव कैपिटल भी रहती है तो क्या अगर हम उसको लिक्विडेट कर दें तो क्या वो हमारा पॉसिबल है कैश फ्लो जनरेटेड बाय द बिजनेस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट्स दैट गिव हायर रिटर्न एन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग न्यू कैपिटल अब कहने का क्या मतलब है कि मेरा जो ई वी ए है नो पैट माइनस आर ओ ओ सी तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ गया विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल मेरा अगर नो पैट इंक्रीज हो जाता है आर ओ ओ सी में कैसे हम निकालते थे ऑपरेटिंग कैपिटल ऑपरेटिंग कैपिटल इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरा अगर नो पैड बढ़ गया साहब तो मेरा क्या ईवीए इंक्रीज होगा यस yes होगा तो मेरा यहां पे ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये ऑप्शन वो पूछ रहा है कि ई आपका कब नहीं बढ़ने वाला अब नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड अब आप सब जानते हैं कि मेरे कुछ क, क, कुछ कैपिटल अनप्रोडक्टिव भी होती है तो अगर मैं उसको रिड्यूस कर दूं तो क्या मेरा ई बढ़ेगा यस अनप्रोडक्टिव कैपिटल अगर लिक्विडेट कर दी तो भी मेरा ई बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्या है कैश फ्लो जनरेटेड बाय द बिजनेस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मेरा कैश फ्लो जनरेट हो गया बिजनेस से और वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो गया तो मेरा इस पे ईवीए पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा तो मेरा आंसर सी बन लग रहा है अभी तक और एडिशनल कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट में तो मेरा उससे ऑपरेटिंग कैपिटल बढ़ गया और हायर रिटर्न्स की वजह से मेरा यहाँ पे ई में भी चेंज आ जाएगा ठीक है सर तो मेरा यहाँ पे नेट कैपिटल कॉस्ट कैन बी लोअर्ड बाय रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरा यहाँ पे अनप्रोडक्टिव कैपिटल में कैपिटल रिड्यूस करी जा सकती है कैसे रिड्यूस करके बाय रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग के हैं या लिक्विडेशन अगर लिक्विडेटिंग कैपिटल does नॉट इफेक्ट कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरा यहाँ पे आंसर नंबर सी है क्योंकि इससे भी ई इफेक्ट हो रहा है इससे भी हो रहा है इससे भी, भी हो रहा है तो आंसर नंबर डी कैश लो जनरेटेड बाय द बिजनेस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल नॉट इंक्रीज इकोनॉमिक वैल्यू एड ठीक है सर थोड़ा सा समझ के अगर हम ऐसे ऑप्शंस को ऑप्ट करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 68 कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नेट ऑपरेटिंग इनकम दो लाख रुपये की है टोटल इन्वेस्टमेंट्स दस लाख की है इफ़ द फर्म यूजेस फाइव परसेंट डिपेंचर्स ऑफ फोर लाख एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज इलेवन परसेंट तो क्या हम ये बता सकते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं कैसे निकालूंगा सर मेरे पास यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम टू लाख की है वेट्स भी मुझे यहाँ पे दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पे कैसे निकालेंगे सर सबसे पहले मुझे क्या इसमें ध्यान रखना है कि मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल तो निकालना है एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना है लेकिन मुझे मार्केट वैल्यूज़ लेनी है एज वेट्स और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं बुक वैल्यूज़ दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी करनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी उसको हम निकालेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम जो मुझे क्वेश्चन बता रहा है माइनस इंटरेस्ट ऑन डेप तो क्या मेरे अगर इन नेट ऑपरेटिंग इनकम जो मेरी दो लाख में है दो लाख की जो मेरी नेट ऑपरेटिंग इनकम है दिस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन डेप्स ये और नो यस क्योंकि ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है जो मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है अगर मैं नेट ऑपरेटिंग इनकम में इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस कर दूँ के ई से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा टू लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कितना है चार लाख का पाँच परसेंट ब्याज जाएगा और मैं के ई से डिवाइड कर दूं सर के ई मेरा कितना है एलेवन परसेंट तो मेरा यहां पे क्या निकल के आ जाएगा

पॉइंट समथिंग सिक्सटी थ्री तो ये मेरी मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की और मेरा डिबेंचर्स तो चार लाख ,00 के ही रहेंगे और अगर मैं अब निकालना चाहूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरा इक्विटी कितना है वन सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री इतनी मेरी इक्विटी है सर और अब मेरे पास डेप्ट कितना है चार लाख ,00 का डेप्ट है टोटल अगर मैं लगाऊँ तो मेरा ट्वेंटी लैक्स ,00 कितना आ जाता है थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री और मेरा यहां पे वेट्स में अगर निकालूं तो दिस विल बी जीरो पॉइंट एट दिस विल बी ट्वेंटी परसेंट अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट मुझे क्वेश्चन दे रहा है ये मुझे इलेवन परसेंट दे रहा है दिस इज माय फाइव परसेंट क्योंकि टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे टैक्स इग्नोर करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.088, पॉइंट जीरो यहाँ पर आ जाएगा 0.01, पॉइंट जीरो वन दिस विल गिव मी नाइन परसेंट तो क्या मेरा 9.8 परसेंट आंसर है यस माय आंसर विल बी नाइन पॉइंट एट टू परसेंट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे क्वेश्चन मांगा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना लेकिन मार्केट वैल्यू एज़ वेट्स लीजिए सर और मार्केट वैल्यू मुझे इक्विटी की नहीं बताई गई क्योंकि मुझे यहाँ पे इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ा यहाँ पे खेल है और यहाँ पे बच्चा गलती करता है ठीक है सर समझ आती है तो इसके लिए ध्यान रखेंगे एंड दिस इज हाउ वी विल स्को वन मार्क इन क्वेश्चन नंबर 68, 69 क्वेश्चन देखेंगे इजी क्वेश्चन है एलिमिटेड इशूज फिफ्टी थाउजेंड एट परसेंट डिबेंचर एट डिस्काउंट फाइव परसेंट टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट के डी बता दीजिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बता दीजिए इंटरेस्ट वन माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इन टू हंड्रेड अगर मैं करूँ तो क्या आ जाता है आठ परसेंट ब्याज है साहब एट वन माइनस टी टी है मेरा क्या फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट को मैं पॉइंट फाइव ज़ीरो लिख सकता हूँ हंड्रेड माइनस हंड्रेड माइनस डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट तो मैं यहाँ पे फाइव परसेंट का डिस्काउंट माइनस करूँगा इन टू हंड्रेड करूँगा और मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ कैलकुलेटर पे तो फोर पॉइंट टू वन आने वाला है क्या आप कैलकुलेट कर रहे हैं यस yes, मैंने किया हुआ है तो फोर पॉइंट टू वन आंसर मेरा यहाँ पे डी आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का ठीक है सर क्या हम साथ साथ चल रहे हैं यस, वी आर ऑल टुगेदर एंड फोर पॉइंट टू वन इज़ द आंसर हम आगे बढ़ना चाहते हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द नोट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द कंपनी इश्यूज टेन थाउजेंड टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हंड्रेड ईच रिडीमेबल हैं वो रिडीमेबल हैं रिडीमेबल है, रिडीमेबल आफ्टर टेन ईयर्स एन क्या है मेरा नंबर ऑफ ईयर्स टेन ईयर्स प्रीमियम पे रिडीमेबल होंगे तो मेरा हंड्रेड प्लस फाइव एक सौ पांच पे रिडीम होंगे कॉस्ट ऑफ इज टू पर शेयर मुझे के पी बता दीजिए सर मेरे को के पी कैसे निकलेगा इसमें के पी विल बी इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स का एवरेज हम ऐसे ही करते थे यस सर हम ऐसे ही कर रहे हैं डिविडेंड कितना देगा टेन का डिविडेंड है फेस वैल्यू हंड्रेड है तो टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड इज टेन रिडीमेबल वैल्यू मेरी एक सौ पाँच आएगी क्योंकि मेरा प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है नेट प्रोसीड्स मेरे कितने हैं नाइन्टी एट क्योंकि मेरा इशू कॉस्ट ऑफ इशू इज़ टू पर शेयर तो मेरा हंड्रेड माइनस टू दैट इज़ नाइनटी एट विल बी माई नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ ईयर्स मैं करूँगा डिवाइड बाई हंड्रेड एंड फाइव प्लस नाइन्टी एट का एवरेजिंग लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए मेरे पास आ जाना चाहिए टेन पॉइंट फाइव फोर परसेंट इसका आंसर मेरा टेन पॉइंट फाइव फोर परसेंट आ जाएगा इन टू हंड्रेड भी करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे कैसे निकाल रहा हूँ परसेंटेज में निकाल रहा हूँ ठीक है सर क्या यहाँ तक हम पहुँच गए हैं वी आर ऑन विच क्वेश्चन वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इन द नोट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम क्वेश्चन हम कर रहे हैं 71 क्वेश्चन क्या कहता है सर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आठ करोड़ के हैं ठीक है सर 8 करोड़ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर है 55 मेरी मार्केट प्राइस पर शेयर है फिफ्टी अर्निंग्स मेरी 80 करोड़ की है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच के इज इक्वल टू ई पी एस डिवाइडेड बाई पी जीरो तो क्या मैं यहाँ पे ई पी एस निकाल सकता हूँ बोलो ना हाँ यस अर्निंग्स कितनी है अर्निंग्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स से तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अर्निंग्स 80 करोड़ की हैं ठीक है सर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स मेरे 8 करोड़ के हैं तो मेरे ईपीएस कितना आ गया सर 10 का मेरा ईपीएस आ चुका है P0 मेरा क्या है एम को मैं P0 कहता हूँ 55 है और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से तो मेरा क्या निकल के आने वाला है 18.18 परसेंट .18 मेरा आंसर है C ठीक है सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है आगे बढ़ सकते हैं यस सर आगे हम बढ़ रहे हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 72 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोट्स एबीसी लिमिटेड कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दस लाख की है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दस परसेंट डिविडेंड दे के पाँच लाख के हैं एट परसेंट डिबेंचर्स पंद्रह लाख के हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस में एस्टिमेटेड है के ई एस्टिमेटेड है फिफ्टीन परसेंट डब्ल्यू ए सी सी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दीजिए और हमारा टैक्स रेट पचास परसेंट मानिए तो क्या हम बता सकते हैं बोलो ना हाँ यस सर हमारी टोटल कितनी है फंड्स दस और पाँच पंद्रह 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 तीस लाख का टोटल फंड्स हैं और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी दस लाख की है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी कितनी पाँच लाख की है डिबेंचर्स मेरे कितने हैं पंद्रह लाख के हैं टोटल थर्टी लाख का है मैं अगर वेट्स की बात करूँ तो थर्ट वो टेन डिवाइड बाई थर्टी जीरो पॉइंट थ्री 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 का वेट्स यहाँ जाएंगे जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन का वेट यहाँ आ जाएगा एंड पॉइंट फाइव ज़ीरो का वेट यहाँ आ जाएगा कॉस्ट मेरी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की फिफ्टीन परसेंट दे रखी है मेरे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट है के डी कैसे निकालेंगे मेरा इंटरेस्ट रेट एट परसेंट है वन माइनस टी को मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये मेरा चार परसेंट आ जाएगा और यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए 0.333 into 15% will give me 4.995 पॉइंट नाइन नाइन फाइव एंड दिस विल गिव मी वन दिस विल गिव मी अप्रोक्सीमेटली टू और यहाँ पे 8.665 परसेंट मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आता है ठीक है सर मेरा आंसर क्या होगा माई आंसर विल बी बी ठीक है सर हम क्वेश्चन नंबर 73 पे पहुंच गए हैं फ्रॉम योर नोट्स एंड वी आर सॉल्विंग एग्जाम क्वेश्चंस क्या हमें इसको करके कॉन्फिडेंस आ रहा है येस yes. क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और अगर आपका यहाँ पे आप कर रहे हैं तो दिस इज द ओनली पर्पस कि मैं आपको एक क्लास में करा रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है पी क्यू आर लिमिटेड कीप्स अ परपैचुअल फिक्सड अमाउंट ऑफेंचर्स विदन रेट ऑफ सिक्स परसेंट इन द बुक्स द बेंचर सेल्स एट पा फेस वैल्यू हंड्रेड है इन द मार्केट इन द कंपनी पेज फोर्टी परसेंट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के डी बताइए इफ सोलट टेन परसेंट प्रीमियम इन द मार्केट तो मेरा क्या मतलब है सर कि अगर मैं के डी कैसे निकाल सकता हूँ मेरा के डी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट वन माइनस टी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटरेस्ट मेरा कितना है सिक्सटीन का इंटरेस्ट है वन माइनस टैक्स फोर्टी परसेंट मैं माइनस कर दूँ नेट प्रोसीड्स मैं हंड्रेड एंड टेन लेने वाला हूँ क्योंकि मेरा सोल्ड है हंड परसेंट प्रीमियम पे तो मैं यहाँ पे हंड्रेड प्लस टेन परसेंट मेरा प्रीमियम है तो यहाँ पे मेरा एट पॉइंट सेवन टू परसेंट क्या निकल के आ जाता है के डी और मेरा आंसर क्या है बी बी फॉर बॉल ठीक है सर बहुत बहुत आसान क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हैं सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन द कंपनी हैज़ करेंटली टू थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ हंड्रेड ईच दो हज़ार इक्विटी शेयर्स हैं हंड्रेड ईच के, के हंड्रेड की फेस वैल्यू है अर्निंग्स आर ट्वेंटी थाउजेंड इफ द करंट मार्केट प्राइस हंड्रेड एंड टेन एंड ग्रोथ रेट किसकी ग्रोथ रेट ई पी एस की ग्रोथ रेट फाइव परसेंट है तो मेरा के ई क्या निकलेगा सर के ई मेरा कैसे निकलेगा अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच क्योंकि मेरा अर्निंग के साथ साथ प्लस ग्रोथ अप्रोच यहाँ पे लगेगा क्योंकि अर्निंग के साथ साथ ग्रोथ भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में देख ली है तो के ई e का मैं अर्निंग प्लस ग्रोथ अप्रोच करा के आया हूँ के ई विल बी इक्वल टू ई पी एस डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी ई पी एस कैसे निकलेगा ई पी एस मेरा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अर्निंग्स मेरी है दो तो हज़ार की और यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स हैं दो हज़ार की अर्निंग्स हैं 2000 मेरे इक्विटी शेयर्स हैं टेन मेरा ईपीएस बन जाता है ठीक है सर मार्केट प्राइस पर शेयर 110 है पाँच परसेंट ग्रोथ है मेरी यहाँ पे तो नाइन पॉइंट फाइव फोर परसेंट मेरा यहाँ पे के ई -E बन जाता है नाइन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट अप्रॉक्सीमेटली हमारा चॉइस बी हम ऑप्ट कर लेते हैं ठीक है सर सिमिलर क्वेश्चन अर्निंग्स का ही है लेकिन उसमें ग्रोथ का यहाँ पॉइंट आ गया तो हम के ई -E निकालेंगे अर्निंग प्लस ग्रोथ अप्रोच से वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेवनि फाइव 75 क्वेश्चन ए एन टी कॉपोरेशन कॉमन स्टॉक हैज बीटा ऑफ 1.5 बीटा मुझे दे दिया है रिस्क फ्री रेट 8 मार्केट रिटर्न बारह परसेंट बता रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दीजिए सी ए पी एम से के ई सी ए पी एम से क्या फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट क्या है एट परसेंट प्लस बीटा इज़ वन पॉइंट फाइव परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट क्या है सर एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट है ट्वेल्व परसेंट दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस मैं आठ परसेंट कर दूँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है फोर्टीन परसेंट इज द आंसर मैं ए का ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे ठीक है सर समझ आ रही है बात हम आगे बढ़ना चाहते हैं वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर सेवनटी सिक्स एग्जाम क्वेश्चन अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं देखो आप ये वाले अटेम्प्ट में आपके दिसंबर 2020 से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं सिक्सटी सेवेंथ क्वेश्चन ऑनवर्ड सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवनटी सेवनटी वन सेवनटी टू सेवनटी थ्री सेवनटी फोर हम यहाँ पे बहुत आगे तक आ गए हैं लेकिन अभी भी दिसंबर 20 के ही अटेम्प्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं तो दिस वाज द अटेम्प्ट जिसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और हर बार अराउंड एट टू टेन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ठीक है सर एम एम लिमिटेड हैज़ ए टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिक्सटी परसेंट कॉमन स्टॉक सिक्सटी परसेंट मेरी जब कॉमन स्टॉक है तो मैं कह सकता हूँ सिक्सटी परसेंट मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है टेन परसेंट मेरी प्रेफर्ड स्टॉक है तो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स को मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस रहती है प्रेफर्ड होते हैं इन द केस ऑफ डिविडेंड्स एंड एवरीथिंग तो उसको हम प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं एंड थर्टी परसेंट ऑन डेप्स तो मेरा थर्टी परसेंट क्या है डिबेंचर्स है इफ़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ फिफ्टीन परसेंट के ई मुझे बता दिया कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मुझे के पी भी बता दिया कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी मुझे बता दिया टैक्स रेट भी बता दिया तो मैंने करना क्या है डब्ल्यू ए सी सी कुछ भी नहीं करना बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया सर क्योंकि मेरा डब्ल्यू ए सी सी क्या है मेरा डब्ल्यू ए सी सी के ई मेरा फिफ्टीन परसेंट है फिफ्टीन परसेंट को मैं पॉइंट वन फाइव लिख सकता हूँ और मेरा वेट कितना है ज़ीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो प्लस मेरा प्लस मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है कॉस्ट ऑफ डेप्ट को मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूट करना पड़ेगा बिकॉज इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स टैक्स को मुझे कंसिडर करना है वन माइनस फोर्टी परसेंट तो मेरा यहाँ पे छः परसेंट के निकलता है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ छः परसेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट है और मेरा कॉस्ट ऑफ डेप्ट का थर्टी परसेंट यहाँ पे वेट्स हैं और मेरा प्रेफरेंस का मेरा कितना है के पी ज़ीरो पॉइंट सेवन प्लस मेरा यहाँ पे टेन परसेंट यहाँ पे वेट्स हैं ठीक है सर समझ आ रही है इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या है आंसर है मेरा बी ठीक है सर समझ आ रही है बात बोलूँ ना यस सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारा दिसंबर ट्वेंटी के एग्जाम क्वेश्चंस सर खत्म ही नहीं हो रहे यही तो मज़ा है सर क्योंकि दिसंबर 20 में बहुत क्वेश्चन आए थे दिसंबर 20 का क्वेश्चन एक और देखते हैं डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड एज पर गॉर्डन मॉडल गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि मुझे मार्केट प्राइस निकालना है तो मेरा पी ज़ीरो निकालना है गिवन कैपिटलाइजेशन रेट के ई मुझे बता रहा है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ट्वेंटी रुपीज़ की हैं ठीक है सर कोई दिक्कत ही नहीं है एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेन परसेंट है रिटेंशन रेशियो थर्टी परसेंट है तो क्या हम निकाल सकते हैं यस yes. मुझे डी वन के लिए क्या निकालना है ई पी एस वन माइनस रिटेंशन रेशियो ई पी एस मुझे क्या बता है यस yes, मुझे ई पी एस क्वेश्चन बता रहा है ई पी एस एक्सपेक्टेड अर्निंग्स दिस इज ई पी एस एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को मैं वन माइनस रिटेंशन रिटेंशन से यहाँ पे माइनस कर दूँ ट्वेंटी वन माइनस रिटेंशन रेशियो मुझे क्वेश्चन ने थर्टी बताया है तो ये मेरा कितना निकल आता है फोर्टीन तो मैं यहाँ पे 14 को ऊपर रखूँगा के ई मुझे क्वेश्चन बता रहा है यस बता रहा है ई इज़ e 11 परसेंट कहाँ दिया है सर इलेवन परसेंट दिया है ना सर यहाँ पे इलेवन परसेंट कॉस्ट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मुझे बता रहा है और मुझे क्या ग्रोथ रेट पता है नहीं पता सर तो मैं कैसे निकाल लूँगा सर ग्रोथ इज़ इक्वल टू बी इंटू आर रिटेंशन इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स तो मैं यहाँ पर रिटेंशन कितना है थर्डी परसेंट इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है टेन परसेंट तो ये मेरा थ्री परसेंट आ जाता है और इसको मैं जीरो पॉइंट जीरो थ्री करके लिख सकता हूँ और मेरा यहाँ पे प्राइस कितना आ जाता है वन सेवेंटी फाइव रुपीज़ आंसर क्या है सर आंसर मेरा बी है कैलकुलेटर पे सॉल्व साथ साथ करना है मैंने पहले कर रखा है मेरे पे भरोसा ना करें साथ साथ अपने आप कैलकुलेटर चलाएं 14 डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो एट को मेरा 175 सेवेंटी फाइव इज राइट हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मज़े की बात यह है कि दिसंबर 20 के एग्ज़ाम क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं क्या बात है सर क्या सौभाग्य है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द कंपनी लिमिटेड हैज़ 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग इतने शेयर्स हैं सर द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इज़ 50। मेरा 50 मेरा आज का मार्केट प्राइस है द कंपनी एक्सपेक्ट इट्स नेट प्रॉफिट ऑफ वन लैक ड्यूरिंग द ईयर एंड इट बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास फॉर विच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट हैज बीन एस्टिमेटेड टू द कंपनी इज कंसिडरिंग करंट ईयर वॉट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर गलती से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में यहां पे आ गया है लेकिन इसका क्वेश्चन का रेलेवेंस डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर से है क्योंकि यहाँ पे मुझे पी जीरो इज इक्वल टू डी वन माइनस पी वन डिडेड बाय वन प्लस की ये मैंने आपको फॉर्मूला डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में कराया है और अगर आपने वो अभी उस चैप्टर को नहीं कवर किया है तो इसको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे ये यहाँ पे गलती से इनकॉपरेट हो गया है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पे ही कवर कर लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है P0 मेरा क्या है आज का प्राइस है करंट प्राइस मेरा क्या है 50 का है ठीक है सर d1 क्या है मेरा d1 मेरा जीरो है और यहाँ पे p1 मुझे निकालना है वन प्लस के ई के ई मेरा क्या है ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव जीरो का मेरा प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर निकल जाएगा जहां पे डिविडेंड नहीं दिया जा रहा डिविडेंड नॉट पेड है तो मेरा इसलिए मैंने D1 क्या लिया है जीरो लिया है तो 62.5 मेरा यहाँ पे निकल जाता है ठीक है दिस इज डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन है लेकिन हमने यही कवर कर लिया कोई दिक्कत नहीं है सर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है हर बार थोड़ी ना दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है द इन्वेस्टर इज होल्डिंग हंड्रेड शेयर ऑफ पी क्यू आर द करेंट रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी पर शेयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इज टेन परसेंट एंड द एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न इज ट्वेंटी परसेंट तो मेरा पी जीरो बता दीजिए डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी डी वन मेरा क्या है डी जीरो आज का डिविडेंड दस का है वन प्लस जी ग्रोथ रेट मेरी टेन परसेंट की है और यहाँ पे के ई मुझे दिख रहा है ट्वेंटी परसेंट का और ग्रोथ मेरे को यहाँ पे टेन परसेंट की दिख रही है तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूंगा तो एक सौ दस रुपये मेरा यहाँ पे आंसर निकल आता है ठीक है सर नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 80 कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अकाउंट्स फॉर सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क बोथ और नॉट यूज़ फॉर रिस्क एनालिसिस सर यूज़ तो किया जाता है दोनों के लिए भी नहीं सिर्फ और सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए यहाँ पे सी ए पी एम यूज़ किया जाता है ठीक है सर और आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि हमारे दिसंबर ट्वेंटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं We are on August 21 questions. So, क्या हम ऑगस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं यस yes, हम करने वाले हैं और यहाँ पे ए डी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एबीसी लिमिटेड हैज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फोर हंड्रेड करोर आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज फोर्टीफाइव एंड द कंपनी हेज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल टेन परसेंट ई वी ए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फर्म कैसे निकलेगा EVA का क्या फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ROC ROC नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम कितना है 45 मुझे दे रखा है ROC इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैपिटल इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मेरी ये ऑपरेटिंग कैपिटल है 400 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं 10% मानूंगा क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 45 फाइव माइनस फोर्टी दिस गिव मी फाइव करोर तो फाइव करोर इज द आंसर सिंपल क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इसमें कम है तो इसलिए ईवीआई निकालना आसान है नेक्स्ट है एटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू फिक्स चार्जेस लाइक इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इंटरेस्ट ऑन डेप्ट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताइए हायर द फिक्स चार्जेस ग्रेटर द रिस्क सही लग रही है हायर द फिक्स चार्जेस लोअर द रिस्क नहीं ये गलत है क्योंकि जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट ऑन डेप्ट का इंटरेस्ट बढ़ता है तो मेरा रिस्क भी बढ़ जाता है हायर द फिक्स चार्जेस नो चेंज इन द रिस्क नहीं रिस्क में चेंज आता है ये भी गलत है हायर द फिक्स चार्जेस रिस्क में ईदर बी लोअर और हायर नहीं ये गलत है रिस्क हमेशा बढ़ता है तो मेरा आंसर क्या है कॉस्ट ऑफ डेप्ट के हिसाब से मेरा फिक्स चार्जेस लाइक इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे जैसे जैसे फिक्स चार्जेस बढ़ेंगे जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरा रिस्क भी बढ़ता जाएगा ठीक है सर इजी क्वेश्चन 83 क्वेश्चन देखते हैं 83 क्वेश्चन क्या कहता है पी क्यू आर लिमिटेड हैज़ एक्सपेक्टेड अर्निंग्स एट 40 पर शेयर मेरी अर्निंग पर शेयर 40 है विच इज़ ग्रोइंग एट नाइन एनअली ई को ही मैं नाइन परसेंट एनुअली ग्रो करने की बात कर रहा हूँ कंपनी फॉलो अ फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो फोर्टी परसेंट अगर मेरा डिविडेंड पे आउट फोर्टी परसेंट है तो मेरा रिटेंशन कितना है सिक्सटी परसेंट है अगर मेरा डिविडेंड पे आउट सिक्सटी परसेंट है तो रिटेंशन फोर्टी परसेंट है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फाइव मेरी के की कैसी बताई है डी वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस जी डी वन कैसे निकलेगा सर इसमें डी वन मेरा निकल जाएगा डी वन मेरा निकल जाएगा फिक्स्ड पे आउट रेशियो सिक्सटी परसेंट तो मेरा सिक्सटी परसेंट ऑफ अर्निंग्स मेरी चालीस की अर्निंग्स है फोर्टी मेरा D1 वन विल equal इक्वल टू फोर्टी मेरी ई है और 60% परसेंट का पे आउट है तो मेरा ट्वेंटी फोर रुपीज़ का D1 वन यहाँ पे निकल गया P0 जीरो द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ वॉट 500 क्वेश्चन दे रहा है प्लस ग्रोथ कितनी है 9% परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर पे 13.8% परसेंट आना चाहिए 13.8% परसेंट इज द आंसर आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84 कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ़ 100 इफ़ द करंट मार्केट प्राइस इज पर शेयर एंड द करंट डिविडेंड इज पर शेयर द डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10 परसेंट के ई विल बी इक्वल टू सिमिलर क्वेश्चन डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी डी वन मेरा यहां पे एट का मेरा आज का डिविडेंट है तो वो ग्रो करेगा टेन परसेंट के हिसाब से तो डी वन विल बीवल टू डी जीरो जी पी जीरो मेरा क्या है नाइनटी और ग्रोथ रेट मेरी है क्या टेन परसेंट की मेरी ग्रोथ रेट है तो विल बी इक्वल माय आंसर विल बी सी पार्ट ठीक है सर समझ आती है बात यस वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर एटी फाइव आज हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं 85 फाइव क्वेश्चन श्यामली लिमिटेड फाइनेंस विथ फाइव लाख टेन परसेंट डिबेंचर्स एंड फिफ्टीन लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स पांच लाख रुपए की मेरी यहाँ पे फाइनेंसिंग है फाइव लाख के मेरे डिबेंचर्स हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी पंद्रह लाख की है इक्विटी शेयर हैज़ ए बीटा वन पॉइंट फाइव एंड द रिस्क फ्री रेट मेरे को यहाँ पे टोटल कैप टोटल फंड मेरे बीस लाख के दिख रहे हैं बीटा मुझे दे दिया वन पॉइंट फाइव रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सिक्स परसेंट मार्केट रिस्क प्रीमियम इज फोर परसेंट और यहाँ पे टैक्स रेट इज ट्वेंटी परसेंट वॉट इज डब्ल्यू ए सी सी डब्ल्यू ए सी सी बता दीजिए मुझे डब्ल्यू ए सी सी निकालना क्या आसान है यस डेप्ट मेरा है कितना पाँच लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है पंद्रह लाख की टोटल ट्वेंटी लैक्स वेट मेरा क्या हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव कॉस्ट क्या है मेरी डेप्ट का मेरा टेन परसेंट तो इंटरेस्ट है वन माइनस टैक्स पॉइंट टू जीरो दिस विल गिव मी एट परसेंट और यहाँ पर रिस्क फ्री रेट मेरा क्या है रिस्क फ्री रेट सिक्स परसेंट है प्लस बीटा वन पॉइंट फाइव है प्रीमियम मुझे चार परसेंट दे रखा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव मी ट्वेल्व परसेंट एट परसेंट को पॉइंट टू फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए ट्वेल्व परसेंट को पॉइंट सेवन फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मेरा आ जाएगा एलेवन परसेंट टोटल इलेवन परसेंट आंसर ए मेरा ऑप्ट कर लिया जाएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स The cost of each component of the firm capital structure multiplied by its weights in the capital structure are called, when cost each component of the firm capital structure ki cost means my KD, ho gai, KE, ho gai, KP ho gai, कंपोनेंट ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा इक्विटी से या प्रेफरेंस से या डेब्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर तो मेरा क्या निकल आता है डब्ल्यू ए सी सी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल जो अभी हम निकाल रहे हैं ठीक है सर दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बो यू कैन हैव ऑफ सी एम ए एन एफ एस एम आप यहाँ पे

उसकी कौन कौन सी एजम्पन्स हमने करी हुई हैं और हमें ध्यान देना है कि कौन सी एजम्पन ये नहीं फॉलो करता इट्स नॉट एन एजम्पन ऑफ सी ए पी एम डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या मेरा सी ए पी एम कहता है कि डाइवर्सिफाइड पोलियो होना पोर्टफोलियो होना चाहिए यस yes कहता है तो ये एजम्पन है सिंगल पीरियड ट्रांजेक्शन हॉरिजन ये भी मेरी एजाम्पन है इन्वेस्टन कैन बोरो और लैंड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये भी मेरी एजाम्पन है कैपिटल मार्केट इज़ नॉट परफेक्ट ये मेरी एजाम्शन नहीं है क्योंकि कैपिटल मार्केट सी कहता है कि परफेक्ट होना चाहिए सर और सारी सिक्योरिटीज़ आर वैल्यूड करेक्टली एंड दे रिटर्न विल प्लॉट ऑन सिक्योरिटी मार्केट लाइन यहाँ पे हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में पढ़ा था पोर्टफोलियो के चैप्टर में तो दिस एजाम्पन जो सी ए पी एम की है एजम्पन इज गिवन इन पोर्टफोलियो के चैप्टर में हमने अगर अभी नहीं कवर किया तो वी विल कवर इन पोर्टफोलियो चैप्टर राइट बिकॉज सी ए पी एम कम्स इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो एंड पोर्टफोलियो ऑल्सो तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं कैपिटल मार्केट परफेक्ट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए तो मेरा आंसर डी सही कह दिया जाएगा क्योंकि ये हमारी एजाम्शन नहीं है ठीक है कैलकुलेट कीजिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैपिटल इन्वेस्टेड इतना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है तो मुझे नो no पैट दे दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दे दी ईवीए विल बी इक्वल टू नो पैट माइनस आर ओ ओ सी नो पैट मुझे ट्वेंटी थाउजेंड दे दिया है आर ओ इसवल टू कैपिटल इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल तो ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड तुम दिस गिव मी फिफ्टीन थाउजेंड इज माय ई इजी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन द गोल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज टू टेक इनटू अकाउंट डैश इन कंपनी क्या मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसिडर करता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर करता है नहीं इंश्योरेंस को भी कंसिडर नहीं करता कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड को कंसिडर डेफिनेटली करता है कॉस्ट ऑफ नॉन सर्विस कैपिटल इन्वेस्टेड ये भी नहीं करता इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक्चुअल प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का डिफरेंस बताता है तो ये डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंसिडर करता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेसिस कौन कौन से होते हैं रिटेन अर्निंग्स हैं मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स दिस इज़ माय आंसर बिकॉज मेरा डिबेंचर्स मेरा इंटरनल सोर्सेस लॉन्ग टर्म के नहीं कहलाए जाते यहाँ भी डिबेंचर्स हैं और यहाँ भी डिबेंचर्स हैं वो नहीं कहलाए जाएंगे इंटरनल सोर्स में नहीं आते ठीक है सर रिटेन अर्निंग्स आर डेफिनेटली कम्स क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है वी आर अबाउट टू फिनिश एग्जाम क्वेश्चन दिसंबर 21 कंपनी शुड सिक्स इ रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ईच ए रिडीमेबल है कोई रिडीमेबल वैल्यू नहीं है द कंपनी दिन फिफ्टी परसेंट ब्रैकेट के डी बता दीजिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट वन माइनस टी डिड बाय प्रोसीड्स इंटरेस्ट मेरा है छह परसेंट टैक्स रेट है फिफ्टी परसेंट नेट प्रोसीड कितने हो गए सर हंड्रेड के हैं और यहाँ पे मेरा टू पॉइंट सेवन थ्री परसेंट आंसर निकल जाता है आंसर इज सिंपल क्वेश्चन के डी निकालना था वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू कंपनी हेज इश्यू टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इज इट्स करंट मार्केट प्राइस पी जीरो

टोटल ग्रोथ टेन परसेंट की तो मेरा यहां पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट जीरो फाइव परसेंट आंसर इज ए सर द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आर ऑफ्टन टेकन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है के इज इक्वल टू के आर ये हम सब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 फोर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी कंसिस्ट ऑफ डिबेंचर्स भी हैं शेयर कैपिटल भी है इक्विटी शेयर कैपिटल भी है रिटेन अर्निंग्स भी हैं है. वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी इज मुझे वेट्स दे रखे हैं ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन नाइन पॉइंट फाइव थ्री फोर्टीन पॉइंट टू एट फोर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू टोटल वेट का हंड्रेड आता है कॉस्ट मुझे दे रखी है 14.6 परसेंट 10.5 परसेंट 20 परसेंट और 18 परसेंट इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा दिस विल बी 1 परसेंट दिस विल बी 4.17, दिस विल बी 1.00, दिस विल बी टू फाइव सिक्स दिस विल बी एट पॉइंट फाइव सेवन टोटल लगा लेंगे तो 16.597 परसेंट और जो मेरा आंसर 16.597 के नियर है 16.60 को मैं ऑप्ट कर जाऊंगा ठीक है सर दीज आर द आंसर्स विच आर गिवन इन द नोट्स तो यहाँ पे हमने दिसंबर 19 से दिसंबर 21 तक के सारे एग्जाम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और यहाँ पे Up confidence, definitely a na because this is how exam questions are coming, and this is how you need to practice the question. Thank you very much for watching. I'll see you in the next lecture. Take care, goodbye. God bless you. Stay connected. Stay blessed. Chehind. Bye bye.